आज मैं आपको लाइटरूम के 50 से भी ज़्यादा प्रीसेट देने वाला हूँ, जिसको आप लोग अपनी बोरिंग फोटो के अंदर यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। अगर आपको कलर ग्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज नहीं है या फिर टाइम की शॉर्टेज है जैसे कि मेरे को रहता है, मैं नहीं चाहता कि अपनी फोटोज़ को एडिट करने में मैं काफ़ी मिनट खराब करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि प्रीसेट यूज़ करके मैं अपनी बोरिंग फोटो को जस्ट एक क्लिक में काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की कर सकूँ। आप लोगों को सब कुछ मैं लाइव दिखाता हूँ, ठीक है? तो जैसे कि आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मेरा थंबनेल है, आप लोग देख सकते हो गाइस, आप लोगों को एकदम काफी क्रिएटिव प्रीसेट देने वाला हूँ, जिसको आप लोग यूज करोगे ना बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। इस वीडियो में पासवर्ड लगा हुआ है, तो गाइस आप लोगों को पूरा वीडियो को देखना है। अगर स्किप मार के देखोगे पासवर्ड मिस हो जाएगा, फिर कॉमेंट सेक्शन में मेरे को नहीं कहना कि पासवर्ड गलत है या पासवर्ड दिया ही नहीं है। तो देख लो, जरा से भी स्किप नहीं करना, शुरू से एंड तक देखना। तो अभी मैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज़ वगैरह भी ओपन कर रखे हैं। हालांकि ये एडिटेड है, पहले से एडिट हो रखे हैं, लेकिन मैं कुछ बेसिक फ़ोटोज़ भी है उसके अंदर प्रीसेट वगैरह अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं ये वाला फ़ोटो लेकर आता हूँ, ठीक है? और लाने के बाद अभी आप लोगों को फोर्थ नंबर पर कुछ इस टाइप का आइकन दिखेगा, मैं आप लोगों को एरो की हेल्प से दिखा दूंगा, जो कि प्रीसेट वाला है। हम लोग टैप करेंगे, टैप करने के बाद आप लोगों को गाइस बहुत सारे प्रीसेट देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं ब्लू टोन को अप्लाई करता हूँ, जस्ट एक क्लिक में ब्लू टोन आ चुका है, ब्लैक टोन आ चुका है, ठीक है ना, ब्लैक टोन, डार्क ब्लैक टोन, विविड ग्रीन, ग्रे ब्लैक, हार्ड रेड। अभी आप लोग देख सकते हो जस्ट एक क्लिक में जैसे ही हम लोग टैप करेंगे, हमारे जो कलर ग्रेडिंग है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के तरीके से चेंज हो जाएगा। ये खास करके ना मतलब बिगिनर्स के लिए भी हो सकता है, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, मैं भी नहीं चाहता कि यार अपने फोटोज़ को एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ, तो मैं जस्ट प्रीसेट यूज़ कर लेता हूँ और जितना भी मेरा काम वगैरह है सब कम्प्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग प्रीसेट यूज़ करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार हम लोग बैक कर लेते हैं, दूसरे फोटोज़ के अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि ये वाली फोटो है, अगेन मैं इसके अंदर अप्लाई करता हूँ कि देखता हूँ कैसा वर्क करता है। सुपर्ब, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लग रही है, ग्रीन टोन भी मस्त है। एंड लास्ट से इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है? ये वाला प्रीसेट थोड़ा बेकार हो गया था, चलो इसको मैं नहीं दूंगा। एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हो इंटरेस्टेड, सॉरी इन्वर्ट और नेचुरल ग्रीन, एंड यहाँ से नेचुरल पॉप, परफेक्ट ग्रीन, एंड यहाँ से ग्रे टोन। अभी आप लोग देख सकते हो बहुत ही गाइज अच्छे अच्छे प्रीसेट मिलेंगे, इसको यूज़ करोगे ना आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है? इसको भी हम लोग राइट पे क्लिक करेंगे और वो फोटोज़ दिखा देता हूँ दो की जो मैंने थंबनेल में यूज़ किया था। हालांकि ये पहले फोटो मतलब पहले से एडिट कर रखे हैं, तो आप लोग अपनी पहले से एडिट करी हुई फ़ोटोज़ के अंदर भी कलर ग्रेडिंग अप्लाई कर सकते हो। तो अगेन हम लोग उसी पर जाएंगे, देख सकते हो आप लोग जस्ट एक क्लिक में हमारा जो कलर ग्रेडिंग है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल तरीके से चेंज हो रहा है। सुपर्ब, और मैं भी आपको बता दूंगा कि इन प्रीसेट को किस तरीके से ऐड करना है अपने लाइटरूम के अंदर। तो भाई स्किप नहीं मारना, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे को कमेंट फिर नहीं करना कि यार पासवर्ड नहीं दिया या फिर पासवर्ड गलत है, मिला नहीं हम लोगों को। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों को पासवर्ड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी देख सकते हो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपने प्रीसेट वगैरह अप्लाई कर दिया। अगर आप लोग इस चीज़ को मैनुअली भी थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हो, अगर प्रीसेट का शार्पनिंग वगैरह ज़्यादा हो या कम हो, तो आप लोग कर सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड इसको कम ज़्यादा करके देखेंगे ना, तो अभी आप लोग देख सकते हो उसको थोड़ा माइनस करेंगे एंड पिंक टोन आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चलेंगे, शार्पनिंग वगैरह अगर आप लोगों का ज़्यादा हो, कम हो तो मेंटेन कर लेना। अगर आपकी फ़ोटो ज़्यादा फटी फटी लगे ना, तो आप लोग मास्किंग को टैप कर देना और इंक्रीज़ करना है, यहाँ से 37 या 50 के अराउंड रख सकते हो, और यहाँ से नॉइज़ को इंक्रीज़ करना, देन आपकी जो फ़ोटो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो जैसे ये वाली मेरी फ़ोटो ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आप लोग बिफोर फोटो देख सकते हो, मतलब फेस जो है ना वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया है पहले से। तो बिफ़ोर फेस उतना भी क्लियर नहीं था, एंड आफ्टर जब हम लोगों ने थोड़ा सा अपना नॉइज़ रिडक्शन को इंक्रीज़ किया है, तो फेस बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ हो गया। तो इस तरीके से करो आप लोग, बहुत ही गाइस नेक्स्ट लेवल के प्रीसेट आप लोग यूज़ करोगे ना सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैंने बता दिया कि प्रीसेट कैसे हैं, कैसे यूज़ होएगा, किस तरीके से वर्क रिजल्ट आप लोगों को दिख गया। अब इनको यूज़ कैसे करना है, अपने प्रीसेट को अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर कैसे लेकर आना है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को फाइल मैनेजर के अंदर आ जाना है। तो मैंने अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लिया। आप लोग ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप लोगों का एंड्रॉयड वर्जन है तो मे भी अलग दिखे, ठीक है? आप लोग देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे मतलब यार ट्राई करा है, तब जाके आप लोगों के लिए परफेक्ट यहाँ पे प्रीसेट अप्लाई कर चुका हूँ।
तो डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर आ जाना। जब आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड वाले में जाएगा ओबियसली, ठीक है। और यहाँ से आप लोग ऊपर जाना, एक मतलब प्रीसेट मिल जाएगा दीपक के नाम से या फिर ड्रीम एडिट 01 के नाम से आप लोगों को प्रीसेट मिलेगा। चलो दिखा देता हूँ मैं। तो आपको कुछ इस टाइप का फोल्डर मिलेगा, आप लोगों को ओपन कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से आप लोग टैप करोगे तो बहुत सारे प्रीसेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। 30, 40, 50 बहुत सारे इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे मैंने 30 बाई मिस्टेक बहुत पहले लिख दिया था, तो बहुत सारे प्रीसेट आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको ओपन किस तरीके से करना है और एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करना है, जस्ट हम लोग इसके ऊपर टैप करेंगे, सेलेक्ट ऑल आप लोग कर सकते हो एंड मोर पे जाना, 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, कॉम्प्रेस का एक ऑप्शन मिलेगा एंड इस चीज़ को आप लोगों को प्रोटेक्टेड विद पासवर्ड, पासवर्ड लगा हुआ है तो पासवर्ड आप लोगों को डाल लेना है। तो मैं सबसे पहले पासवर्ड को फिल करता हूँ एंड यहाँ से डन पे फिल क्लिक कर देना है। तो आप लोगों का जितना भी ये फाइल है वो सब एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इनको आप लोगों को शेयर कर लेना है, शेयर करके लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही भेज दोगे तो आप लोगों को 4th नंबर पे प्रीसेट का ऑप्शन मिलेगा एंड जितने भी आप लोगों का ये फोल्डर है ना प्रीसेट वाला वो वहीं पर आ जाएगा। और मैंने बता दिया कि प्रीसेट आप लोग यूज़ करोगे तो वर्क खुद ब खुद दिख जाएगा, ठीक है ना। गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना एंड फ्यूचर में मैं इन सब टाइप की वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, तो कीप सपोर्टिंग।